वैसे यहाँ पे देख सकते हो गन स्विच एंड फायर, गन स्विच एंड फायर इसको कुछ इस तरीके से आप लोग जो है स्नाइपिंग यूज कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से, तो गाइस अगर आप लोगों को एक सच्चा स्नाइपर प्लेयर बनना है फ्री फायर के अंदर, जो ऑड लेवल स्नाइपर प्लेयर अगर आपको एक बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो ऑड लेवल स्नाइपिंग कैसे चला सकते हो आप लोग, मतलब डबल स्नाइपिंग जो होता है आप लोग जो ऑड लेवल कैसे चला सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग चलाओगे स्नाइपिंग। तो लेट्स बी स्टार्ट कर दे ट्रेनिंग। गाइस यहाँ पे मैं ट्रेनिंग के अंदर तो आ चुका हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप कैसे स्नाइपिंग चलाओगे। कुछ इस तरीके से आप लोग स्नाइपिंग चलाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ये है। कुछ इस तरीके से जो है आप लोग स्नाइपिंग धड़ाधड़ चला सकते हो, गन स्विच एंड फायर, गन स्विच एंड फायर। ठीक है गाइस, गन स्विच एंड फायर। आपको और एक चीज यहाँ पे बता दूं, आपको दो सेटिंग करना पड़ेगा अगर आपको सच्चा एक स्नाइपर प्लेयर बनना है, दो सेटिंग करना पड़ेगा। दो सेटिंग इसलिए गाइस, एक तो क्लोज रेंज फाइट, मतलब आप मान लो क्लोज रेंज बंदा है आप उसको तो स्कोप करके मारोगे नहीं, आप गन स्विच करके मारना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लोज रेंज फाइट कुछ इस तरीके से आप लोगे, और अगर मान लो दूर बंदा है उसको आप लोग स्कोप करके मारोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग दूर दूर बंदा को इस तरीके मारोगे आप कुछ इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग हमारा ये वीडियो देख के आप लोग इस तरीके से स्नाइपिंग चला पाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पीसी प्लेयर वाले के लिए है, जो भी ब्लू स्टैक में खेलता है सिर्फ उसी के लिए ये वीडियो है। और रही बात अलग का, मतलब कि मोबाइल प्लेयर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसका दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो गाइस पीसी प्लेयर वाले जो भी हो सेटिंग, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल एडिटर जाना पड़ेगा। कंट्रोल एडिटर ये रहा, इधर होता है, तो कंट्रोल एडिटर पर क्लिक करना है। और मैंने पहले आपको बोला था दो सेटिंग आपको करना पड़ता है, तो दो सेटिंग ये रहा, एक ये रहा सेटिंग, दूसरा ये रहा सेटिंग। तो फर्स्ट वाला सेटिंग मैं डिलीट कर दूंगा और सेकंड वाला सेटिंग मैं डिलीट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब नया से शुरुआत करके मैं आपको शुरुआत से सब कुछ डिटेल्स के साथ मुझे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो गाइस यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिखेगा, स्क्रिप्ट लिखा होगा यहाँ पे। तो ये आपको माउस का जो बटन होता है आपको क्लिक करके रहना है, रहने के बाद आपको क्लिक करके रह के यहाँ पे कुछ आके छोड़ देना है। अब आपको कोई की सिलेक्ट करना है, कोई भी की हो आपकी मर्जी, आपके हिसाब से कोई भी की सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट सेटिंग मैं करूंगा क्लोज रेंज फाइट का, तो क्लोज रेंज फाइट का मैं कर दूंगा मेरा जो अच्छा लगता है मेरे को कि वो है मेरा जी, क्योंकि मेरा जी जो बटन होता है वो बटन से मैं अच्छा चला पाता हूँ। तो आपके हिसाब से आपको कौन सा अच्छा बटन लगता है आप भी वही की सिलेक्ट कर देना। ठीक है, तो मैंने जी सिलेक्ट कर दी। अब आपको सेटिंग, मेन मुद्दा क्या है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जो आपको बटन दिख रहा है ब्लू कलर का है, आपको दिखेगा यहाँ पे, आपको क्लिक करना है मेरा कर्सर के वहां पे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब वो करना क्या है, आपको प्रेस करना है, करने के बाद आपको टैप लिखना है, इधर टैप, टी ए पी, टैप लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फायर देगा। तो माउस का जो राइट साइड वाला बटन होता है ना, जहाँ पे आप रिफ्रेश करते हो पीसी को, तो माउस का जो राइट साइड वाला बटन होता है आप यहाँ पे आपको दो बार क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा कर्सर कहाँ पे है, मतलब फर्स्ट आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, फायर पहले पे, तो दो बार क्लिक करो माउस का राइट साइड वाला बटन, एक दो, हो गया दो बार, यहाँ पे नंबर ही आ गया। तो वापस आपको प्रेस करना है, करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, वेट फोर, WAIT वेट, एंड स्पेस देना है, वेट के बाद स्पेस देने के बाद आपको फोर लिखना है, इधर फोर हो गया। अब वापस आपको एंटर क्लिक करना है और नीचे आना है, तो यहाँ पे नीचे आ गया मैं, वापस आपको टैप लिखना है, TAP, टैप लिख दिया। अब आपको करना है गन स्विच, तो गन स्विच करोगे मतलब क्लोज रेंज फायर, तो गन स्विच और इसको मतलब फायरिंग होगा ना, तो चलो गन स्विच करते हैं अपन। दो फायर कर, दो बटन क्लिक करते हैं, माउस का जो राइट साइड वाला बटन होता है दो बार क्लिक करते हैं यहाँ पे, एक दो, यहाँ पे डन एंड सेव। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट जो स्टेप है वो हो गया, ट्रेनिंग हमारा लीव होगा, ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, भले आप लोग मतलब वीडियो लेट हो जाए थोड़ा, भले ही लेट ही सही, बट अगर स्किप करूंगा ना वीडियो को तो फिर आप लोग सोचोगे यार स्क्रिप्टेड वीडियो है। ठीक है, तो स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है गाइस, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। तो डन सेव मैंने कर दिया था, आप देख लो यहाँ गाइस, यहाँ पे सेटिंग का पावर, मैंने गन पे एक बटन पे क्लिक किया था और एक गन स्विच पे क्लिक किया था, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है फायरिंग हो रहा है। मतलब जो बटन आप सिलेक्ट करके रखो ना कीबोर्ड का, वो बटन आप एक बार करके क्लिक करोगे अपने आप सब कुछ होता जाएगा, बस कंटिन्यू दबाते जाओ, टैप 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 दबाते जाओ, बंदर घंटा टेक नहीं पाएगा आपका सामने। ठीक है, अब ये तो हो गया, आप दूसरा सेटिंग के बारे में, चलो दूसरा सेटिंग करते हैं अपन। दूसरा सेटिंग दूर दूर बंदा को मारने के लिए है, तो दूसरा सेटिंग ये रहा, वापस आपको वही सीन करना है। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिखेगा, आपको वापस क्लिक करके रहना है, क्लिक करके रह के आके यहाँ पे आना है, यहाँ पे छोड़ देना है। आने के बाद यहाँ पे आपको की कोई भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं ई सिलेक्ट करूंगा, मेरे को ई अच्छा लगता है दूर का फाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको वापस से ब्लू वाले पे क्लिक करना है, करने के बाद आपको कुछ वापस इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो वापस यहाँ पे आपको क्लिक प्रेस करना है, करने के बाद आपको टैप लिखना है इधर वापस से, TAP, टैप लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वापस से आ जाना है इधर फायर वाले पे, माउस का राइट साइड वाला बटन जो होता है, राइट साइड वाला बटन, वहां पे आपको दो बार क्लिक करना है, एक दो, हो गया।
अब बस आपको एंटर क्लिक करना है, नीचे आना है, नीचे आने का तो वेट स्पेस 5 लिखना है, वापस आपको एंटर क्लिक करना है, वापस टैब लिखना है आपको TAP टैब लिखना है, आपको गन स्विच करना पड़ेगा इस बार, तो गन स्विच करो यहाँ पे, वापस से क्लिक करो माउस का राइट साइड वाला बटन 2 बार, 1 2 हो गया, वापस आपको एंटर क्लिक करना है और नीचे आना है, वापस आपको वेट 5 लिखना है, WAIT स्पेस 5 लिख दिया, वापस आपको एंटर क्लिक करना है और नीचे आना है, वापस आपको टैप टैप लिखना है, तो गाइस टैप लिख दिया, अब आपको इसको वाला बटन पे क्लिक करना है 2 बार, मतलब माउस का जो राइट साइड वाला बटन है ना 2 बार आपको क्लिक करना है, 1 2 हो गया, बस इतना सा आपको करना है एंड डन एंड सेव हो गया, बस आप देख लो आपके अभी इसका पावर, तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो गन स्विच एंड फायर, गन स्विच एंड फायर स्कोपिंग सब, बस आपको एक ही बटन पे क्लिक करना है, जस्ट ओनली जो आपने की मैपिंग दे रखा है, कीबोर्ड का की दे रखा है उस पे, इस पे एक बार क्लिक करो और एंड तमाशा देख लो, बस आपको माउस को कंट्रोल करना पड़ेगा, बंदा कहाँ पे ना, मतलब बंदा जहाँ पे वहां पे आपको स्कोप करके लेके जाना है, एंड बस इतना सही। अब यहाँ पे देख सकते हो पावर कुछ इस तरीके से आप लोग जो है स्नाइपिंग यूज कर सकते हो, तो गाइस इस तरीके से आप अगर कोई भी फॉल्ट कोई भी इशू आ रहा हो तो कमेंट्स से मेरे को बताओ क्या इशू आ रहा है आपका, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब कर लेना, आपका जो भी फ्रेंड है पीसी प्लेयर उस पे इस वीडियो को शेयर कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।